एवरीवन, ललिता भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के कोफ्ते, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गोभी। तो ये देखिए, गोभी के मैंने ये फ्लोरेट्स इस तरह से निकाल के और इसे 5 मिनट के लिए मैंने नमक वाले पानी में डिप करके रखा है। उसके बाद मैंने इनको सुखा लिया था अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, मैंने 2 लिए हैं हरी मिर्चें और 2-3 लहसुन, 2 लिए मैंने टमाटर, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का है और 4-5 काजू, 1 कप लिया है मैंने बेसन, तो बेसन को हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। और मसालों में ये देखिए, ये लिया है मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, क्यूमिन सीड, ज़ीरा, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और 1 लिया है मैंने बे लीफ, तेज पत्ता, और ये हींग, धनिया पत्ता, कसूरी मेथी, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये लिया है मैंने 1/2 कटोरी फ्रेश मलाई। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज की और टमाटर की अलग अलग प्यूरी बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने टमाटो और प्याज वाली जो दोनों की प्यूरी तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम गोभी को ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम गोभी को कर लेंगे ग्रेट। तो ये देखिए, मैंने गोभी को ग्रेट कर लिया है और अब हम इसको निचोड़ेंगे ताकि इसमें से जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। देखिए, इस तरह से हमें इसे निचोड़ना है। तो ये देखिए, इतना पानी निकला है इसमें से। तो ये देखिए, मैंने सारे पानी को निकाल दिया इसमें से। तो अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से मसाले। ये देखिए, अदरक, लहसुन और मिर्च है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, धनिया, नमक, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं अभी इसमें 3 स्पून डाल रही हूँ बेसन, और इसको करेंगे हम मिक्स। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही इसे हमें अच्छे से एक इसका डो टाइप से तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसमें 1 स्पून और डाला है बेसन, और ये हमारा तैयार है मटेरियल। और ये देखिए, इसके इस तरह से छोटी छोटी हमें अब बॉल्स बनानी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए सारे बॉल्स तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने बॉल्स तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, तेल गरम कर लिया है मैंने एक कढ़ाई में, और अब हम इनमें इनको डाल देते हैं। ये देखिए, इनको हम इस तरह से उलटते पुलटते हुए सेक लेंगे। तो ये देखिए, कोफ्ते तैयार हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं अब। ये देखिए, ये देखिए, अब इसी तेल में डालेंगे हम 1 दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, हींग, जीरा,
इनको हम हल्का सा भून लेंगे और फिर इसमें डालेंगे हम ये प्याज। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है। ये देखिए प्याज अच्छे से भुन चुका है और इस टाइम हम डालेंगे इसमें ये टमाटर प्यूरी। इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे मसाले। तो पहले डालेंगे हम नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। तो हमें इन्हें ढक ढक के पकाना है। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और इन्होंने ऑयल भी रिलीज कर दिया है। तो इस टाइम हम डालेंगे इसमें पानी। पानी हम गर्म ही डालेंगे ताकि ग्रेवी का जो कलर है वो मेंटेन रहे। तो चलिए इसको अब हम एक बॉईल आने देते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी बनके तैयार है और इस टाइम हम डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी। और थोड़ी सी क्रीम। तो ये देखिए इस टाइम हम डालेंगे अपने ये इसमें कोफ्ते। और इस तरह से इनके ऊपर डाल देंगे ग्रेवी को हम। और बस 2 मिनट के लिए इसको हम इसके साथ बिना छेड़े इसको बिना हिलाए इसको पकने देंगे। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते बनके तैयार है और इस पे अब मैं ग्रीन कोरिएंडर डाल दूंगी। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे गोभी के कोफ्ते बनके तैयार है। आप इसे लंच में, डिनर में, किसी भी टाइम खा सकते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।